वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन तो ये आप लोग का क्वेश्चन ऑफ़ द डे है क्वेश्चन है इन द होल्डिंग इज ए ऑप्शन है मोर देन लैचिंग करेंट बी ऑप्शन है लेस देन आई एल मतलब इक्वल टू लैचिंग करेंट एंड डी ऑप्शन इक्वल टू जीरो क्वेश्चन तो को समझने के लिए हम लोग को जो है उसके वी आई का को थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो जो वी आई कैक्टिविस्टिक होता है आपका वी आई का जिसको अपन क्लास में बहुत ही डिटेल पर डिस्कस करते हैं तो वी आई कैक्टिविस्टिक आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज और एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बीच में बनता है तो ये तुम्हारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज ए के और ये आप लोग का एनोड टू कैथोड करेंट आई ए के होता है ठीक है तो इनके बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक आपका वी आई का होता है तो वी आई यदि मैं इसका प्लॉट करूंगा तो ये आपका कुछ इस टाइप से बनता है ठीक है ये आपका कुछ स्टेप से बनता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक में ये जो करंट रहता है ये आप लोग का है होल्डिंग करंट ये जो करंट है ये आप लोग का होता है आई एच और यहां पे ये जो करंट होता है ये होता है तुम्हारा लैचिंग करंट तो ये होल्डिंग करंट है ये लैचिंग करंट ये वी कैरेक्टरिस्टिक का थर्ड स्टेप है तो आप देख पा रहे हो कि होल्डिंग करंट जो है होल्डिंग करंट आपका लेस देन लैचिंग करंट होता है और होल्डिंग करंट का जो रिलेशन है वो होता है आप लोग का टर्न ऑफ प्रोसेस से टर्न ऑफ प्रोसेस इन जो लैचिंग करेंट होता है उसका रिलेशन होता है आप लोग का टर्न ऑन प्रोसेस से टर्न ऑन प्रोसेस से ठीक तो है तो ये आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज होता है तो ये टर्न ऑन प्रोसेस है ये टर्न ऑफ प्रोसेस है और होल्डिंग कर्वेंट आप लोग का लैचिंग करेंट से स्मॉल होता है तो अपन ऑप्शन में टैली कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन है तो होल्डिंग कैंट आई एस जो है आप लोग का होल्डिंग करेंट है वो आप लोग का स्मॉल होता है जो आई है वो आप लोग का स्मॉल है लेस देन आई तो होल्डिंग करेंट आई एस आई एस जो है वो आपका छोटा है ठीक है तो कहाँ पे होल्डिंग करंट आई एस इज लेस देन लैचिंग करेंट ठीक है लेस देन लैचिंग करंट तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास है बी ठीक है बी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि होल्डिंग करंट लेस देन आपका आई होता है तो इसका आंसर बी है थैंक यू